गुड मॉर्निंग, नमस्कार. माई सेल्फ डॉक्टर ईशा और दिस वीडियो ऑफ माइन इज़ अ सक्सेस स्टोरी जो कि उन पेशेंट्स के लिए स्पेशली है जहाँ पर उनको फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं. बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर वो जल्दी ही डिसहार्टन होने लगते हैं या इम्पेशेंट होने लगते हैं कि पता नहीं ये फाइब्रॉइड्स जो हैं ये ठीक होंगे या ये कितना टाइम लग जाएगा. तो यहाँ पर हम ऐसी सक्सेस स्टोरीज शेयर करने का सिर्फ एक मकसद रहता है और वो ये है कि आप लोग जो हैं कॉन्टीन्यूअसली जैसे जैसे बताया जाए वैसे अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कीजिए. जो डाइट बताई जाए, जो योगा बताई जाए, जो मसाज बताई जाए एंड जो मेडिसिन बताई जाए विदाउट एनी गैप यू हैव टू कंटिन्यू देम. तो यहाँ पर जो पेशेंट थे वो खुद ही आपको अपने बारे में बताएंगे. उनका हमारे पास फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट चला था एंड शी हैज़ बिन कंटिन्यूइंग सिंस लास्ट 3 मंथ्स एंड एक बहुत अच्छा सा उनका साइज भी है, वो श्रिंक हुआ है फाइब्रॉइड का. बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग थी फॉर 15 डेज, अभी वो जस्ट 5 डेज रह गई है एंड पेन हैज़ ऑल्सो गॉन. तो हाउ वी ट्रीट दीज थिंग्स आर कि हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट जस्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नहीं कर रहे हैं. जब भी फाइब्रॉइड के केसेस में भी वी आर वर्किंग अपॉन द हार्मोनल इम्बैलेंस. पहली स्टेज में वो फाइब्रॉइड हुआ क्यों उस कारण को ट्रीट करना है. एंड उसका कारण क्या होता है, मेनी अ टाइम्स हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, ईस्ट्रोजन डोमिनेंस होती है. ईस्ट्रोजन डोमिनेंस फर्दर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे डिपेंड करती है, आपके लिवर पे डिपेंड करती है. तो समटाइम्स इट डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रेस हार्मोन दैट इज कॉर्टिसोल हार्मोन एज वेल. तो हमें 3 सिस्टम्स का ट्रीटमेंट करना है एक फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट के लिए भी. तो फाइब्रॉइड श्रिंकिंग हर्ब्स होती हैं, पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करते हैं कि किस तरह का फाइब्रॉइड है, किस लेयर में है, सब सिरोजल है, सब म्यूकोजल है या वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को डेविएट कर रहा है. तो ट्रीटमेंट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट जेन्युइनली ट्रीटमेंट जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आती है. पेशेंस इज द की. पेशेंस के साथ जो जो जैसे जैसे बताया जाए उसको वैसे वैसे फॉलो करना है, देन यू कैन ऑल्सो बी अनदर सक्सेस स्टोरी. तो अभी आपका जो वीडियो है वो कंटिन्यू होगा, पेशेंट आपसे खुद बताएगा. इट्स फॉर योर ओन मॉरल थिंग कि आपका मॉरली बूस्ट अप हो कि इतने पेशेंट्स को जो इतना अच्छा रिलीफ मिल रहा है. नाउ द पेशेंट विल सेल्फ आपको बताएंगे. ओके, थैंक यू. हेलो, मेरा नाम नीलम है और मेरी एज 42 ईयर्स है. मुझे फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम थी जिसे हम बच्चेदानी रसोले की छोटी छोटी गांठें बोलते हैं. तो मेरी ये प्रॉब्लम जो है इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जो मेरी ब्लीडिंग 15-15 दिन की हो जाती थी, मुझे रुकने का नाम नहीं लेती. मैंने इतनी ज़्यादा मेडिसिन खाई, इतने डॉक्टर से मैंने सलाह ली पर कोई हल नहीं निकला. डॉक्टरों ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि अगर आपकी ब्लीडिंग ना रुकी तो आपकी जो बच्चेदानी वो निकालनी पड़ेगी. मैं इतना ज़्यादा डर गई तो करूँ क्या. फिर मैंने डॉक्टर ईशा के यूट्यूब मैंने सर्च किया, उनके बारे में मैंने रोज़ उनकी क्लिप देखती थी. तो मैंने सोचा चलो आज उनसे मैं कॉन्टैक्ट कर लूँ, उनसे भी सलाह लूँ कि मेरी ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं लेती. तो मैंने उनसे फ़ोन पे बात की और अपनी जो रिपोर्ट उनको दिखाई और मैडम ने मुझे मेडिसिन दी खाने के लिए और योगा के आसन बताए कि आपने ये करना है और आपने उन्होंने मुझे खाने पीने का प्रेरित किया कि आपने ये चीज़ें खानी और ये चीज़ें नहीं खानी. मैंने उनके हिसाब से ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया और मुझे 3 महीने हो गए लगातार दवाई खाते हुए. और उनके दवाई खाने से मुझे मेडिसिन उनकी खाने से इतना ज़्यादा बेटर फील महसूस हो रहा है कि जो मेरी 15 दिन की ब्लीडिंग जो थी वो अब घट के 5 दिन की हो गई है. और मैं इतना ज़्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ. जैसे कि पहले डॉक्टर ने बताया था कि आपकी बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी, लेकिन नहीं, अब मुझे लगता है कि मैं अब ठीक हूँ. और जो मेरी ब्लीडिंग 15-15 दिन की 5 दिन की हो गई है और जो मेरी पहले जो फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम थी वो 6.5 थी, अब वो घट के 4.3 हो गई है. मुझे इतनी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि नहीं, अब मैं ठीक हूँ. जैसे पहले मैं इतनी दर्द होती थी कि सहन नहीं कर पाती थी और घर का ना ही कोई काम कर पाती थी, लेकिन नहीं, अब मेरी दर्द भी कम हो गई है और मेरी जो ब्लड कम था पहले वो मेरा बढ़ के 11.5 हो गया हुआ है. मुझे इतनी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि अब मैं 2-3 महीने लगातार और दवाई खाऊंगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी. और मैं जितना धन्यवाद डॉक्टर ईशा का कर सकती हूँ वो कम है. धन्यवाद.